हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ मीटर ब्रिज, नल पॉइंट इज एट एल इज इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर। व्हेन द रेजिस्टेंस एस इज शंटेड बाय 12 ओम रेजिस्टेंस, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर शुड बी ऑप्शन ए 13.5 ओम, ऑप्शन बी 6.85 ओम, ऑप्शन सी 3.42 ओम। बहुत सो बच्चों, हियर अवर की कॉन्सेप्ट इज मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो अगर हम इसके रेजिस्टेंस वायर की बात करें, सो इट इज 1 मीटर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसका लेंथ होता है 1 मीटर एंड यहाँ पर आपके दो रेजिस्टेंसेस अटैच हैं। वन विल बी रेजिस्टेंस आर यहाँ पर and the other one is resistance S, and here this is galvanometer with its jockey. तो अगर हमारा null point आ रहा है at length L, so rest of the portion will be 100 minus L, क्योंकि 1 meter है, 1 meter means 100 centimeter, so 100 minus L, ये आपका centimeter में है L. सो यहाँ पर जो रेशियो होगा दैट विल बी आर बाय एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। नाउ इन क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्टली जो नल पॉइंट है दैट इज एट एल इज इक्वल टू 33.7, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि आर बाय एस इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 100 माइनस 33.7, that means 33.7 upon 66.3. जो S resistance है, इसे हमने shunt कर दिया with 12 ohm resistance. तो आपके पास S equivalent क्या हो जाएगा, 1 upon S plus 1 by 12. तो यहां से आपके पास S equivalent आ गया 12S upon 12 प्लस एस। सो सेकेंड इक्वेशन हो गया आर अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो नल पॉइंट है इट इज शिफ्टेड बाय 18.2, तो दैट विल बी 33.7 प्लस 18.2 अपॉन 30 अपॉन 100 माइनस 100 माइनस 33.7 प्लस 18.2, तो यहां से आपके पास R अपॉन S इक्विवेलेंट आ गया 51.9 अपॉन 48.1, ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड वी विल गेट R बाय S अपॉन R बाय S इक्विवेलेंट, ये है आपका 33.7 अपॉन 66.3, 48.1, 57.9, तो यहां से R will get cancel, S equivalent का वैल्यू आ जाता है 0.47 into S. S equivalent का वैल्यू है 12S अपॉन 12 प्लस S इज इक्वल टू 0.47 S. S will get cancelled. So 12 is equal to 0.47 into 12 plus S. Now solving it, we will get S is equal to 13.5 ohm. Now by equation 1,
आर बाय एस इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3। आर इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3 इंटू 13.5, ये आ जाएगा आपके पास 6.86 ओम। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।